हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल स्टेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशंस ऑफ क्लास 7, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सो यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेट करके। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे स्टेप भी बताना है कि हमने वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या स्टेप यूज किया है। नाउ फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसमें वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल है। हमें यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना है, वेरिएबल के साथ जो भी कॉन्स्टेंट है उसको हमें यहाँ से हटाना होगा। सो x माइनस वन, यहाँ पर वेरिएबल के साथ माइनस वन है, माइनस वन को हमें यहाँ से हटाना है तब हमारा वेरिएबल सेपरेट होगा। सो यहाँ पर माइनस वन है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाला सेम नंबर लेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पे माइनस साइन है तो हम प्लस साइन के साथ लेंगे। अगर हम माइनस वन में प्लस करते हैं वन, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। वन में से वन माइनस करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। सो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पर वन ऐड कर देते हैं तो ये जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स के साथ जो कांस्टेंट था वो यहाँ से हट जाएगा। नाउ अगर हम इक्वेशन में कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमें एलएचएस में भी करना होगा और आरएचएस में भी करना होगा। सो यहाँ पर हम वन कैसे रिमूव कर सकते हैं, माइनस वन, वन प्लस करके। सो इस इक्वेशन में हम वन ऐड करेंगे, ये होगा ऐड वन टू बोथ साइड, दोनों साइड हम यहाँ पे वन ऐड करेंगे, हो जाएगा एक्स माइनस वन, इसमें वन ऐड करेंगे प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस वन, ये होगा एक्स, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, वन में से वन माइनस करेंगे जीरो, x माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, सो ये होगा x इज इक्वल टू वन। सो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गया, यहाँ पर इधर वेरिएबल आ गया है और इस साइड कॉन्स्टेंट आ गया है। सो आंसर होगा इसका x इज इक्वल टू वन। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन है x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वन प्लस का है तो हम क्या करेंगे, इसमें से वन माइनस कर देंगे, ये होगा सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम बोथ साइड, सो ये होगा एक्स प्लस वन, इसमें से वन माइनस करेंगे, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, ये होगा एक्स, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, वन में से वन माइनस करेंगे जीरो, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, वन में से हमें जीरो माइनस करना है, वन आएगा, बड़ा नंबर क्या है इसमें से वन, वन का क्या साइन है, माइनस, सो ये होगा माइनस वन, सो ये होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट है सी पार्ट, x माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, यहां से हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है तो इसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट है इसको यहाँ से हटाना होगा। सो यहाँ पर माइनस वन है, माइनस वन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वन ऐड कर देंगे, ये होगा एट वन टू बोथ साइड, सो ये होगा x माइनस वन, इसमें प्लस करेंगे वन इज इक्वल टू फाइव प्लस वन, ये हो जाएगा x, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, वन में से वन माइनस करेंगे जीरो, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, सो ये होगा एक्स इज इक्वल टू सिक्स, ये होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट है डी पार्ट, एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू, सो इक्वेशन है यहाँ पर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू, यहां से हमें सिक्स हटाना है, सिक्स यहाँ पर एड हो रहा है तो हम सिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये होगा सब्ट्रैक्ट सिक्स फ्रॉम बोथ साइड, सो ये होगा एक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स, होगा एक्स प्लस, ये प्लस सिक्स है ये माइनस सिक्स है, प्लस माइनस माइनस, सिक्स में से सिक्स माइनस करेंगे जीरो इज इक्वल्स टू फोर माइनस सिक्स,
ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, बड़ा नंबर यहाँ पे 6 है, 6 के साथ माइनस का साइन है, सो ये होगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, सो ये होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ नेक्स्ट है ई पार्ट, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7, सो इक्वेशन है यहाँ पर y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वाई, हमें इस वेरिएबल को सेपरेट करना है, इसके साथ जो भी कांस्टेंट है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ माइनस 4 है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, ये होगा ऐड 4 टू बोथ साइड, दोनों साइड हमें 4 ऐड करना होगा, इज इक्वल टू वाई माइनस 4, इसमें 4 प्लस करेंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, सो ये होगा वाई माइनस, ये माइनस 4 है, ये प्लस 4 है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है, 7 के साथ माइनस साइन है, सो ये होगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 3, ये होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट है एफ पार्ट, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सो इक्वेशन है यहाँ पर y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर वेरिएबल के साथ माइनस 4 है, इसको हमें यहाँ से हटाना है तो हम 4 ऐड करेंगे, सो ये होगा ऐड 4 टू बोथ साइड, दोनों साइड 4 ऐड करेंगे हम, y माइनस 4 इसमें प्लस करेंगे 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, सो ये होगा y माइनस, ये माइनस 4 है, ये प्लस 4 है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, सो ये होगा y इज इक्वल टू 8, ये होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट है जी पार्ट, y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, सो इक्वेशन है यहाँ पर y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, वेरिएबल के साथ प्लस 4 है, अब प्लस 4 को हमें यहाँ से हटाना है तो 4 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ये होगा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y प्लस 4 इसमें से 4 माइनस करेंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4, सो ये होगा y प्लस, ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, सो ये होगा y इज इक्वल टू 0, सो ये होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट है h पार्ट, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, सो इक्वेशन है यहाँ पर y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ से हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, इसके साथ कांस्टेंट है प्लस 4, प्लस 4 हटाने के लिए यहाँ से हम 4 माइनस कर देंगे, ये होगा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, सो ये होगा y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, वाई प्लस, ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, सो ये होगा 4 प्लस 4 8, एंड दोनों नंबर माइनस के हैं तो यहाँ पर होगा माइनस का साइन, सो ये होगा वाई इज इक्वल टू माइनस 8, ये होगा इसका आंसर। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माई चैनल।